हिंदी में पाश्चात्य काव्य शास्त्र से जो धारणाएं हिंदी में आई हैं उनमें एक महत्वपूर्ण अवधारणा है मिथक, जिसे अंग्रेजी में मिथ कहा जाता है। आज हम मिथक का अध्ययन करेंगे। तो यह प्रश्न परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, तो आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, फिर मिथक का अर्थ, फिर मिथक की व्याख्या, मिथक की विशेषताएं, मिथक और साहित्य, और अंत में उपसंहार। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडा हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिथक से सामान्य तौर पर मिथक का तात्पर्य होता है पौराणिक कथाएं, काल्पनिक कथाएं, है ना, जो हमारी तर्क या बुद्धि या लॉजिक पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह कल्पना पर आधारित होता है, मनगढ़ंत होता है, यह हमारी आस्था और विश्वास पर आधारित होता है। मतलब वे सभी कथा कहानियां जो प्रायः धार्मिक प्रकृति की होती हैं, जो प्रायः किसी अलौकिक व्यक्तित्व से के संबंध में होती है, और जो हमारी आस्था और विश्वास पर आधारित होती हैं, ऐसी मनगढ़ंत कहानियों कथाओं को हम कहते हैं मिथक। और यहाँ पर तर्क और बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता है। मिथक को अंग्रेजी में मिथ कहा जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य में मिथक को एक टेक्निक के रूप में प्रयोग किया जाता है, फैंटेसी की तरह। अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ और ग्रीक शब्द माइथोस शब्द पर आधारित है। मतलब मिथक शब्द जो है अंग्रेजी के मिथ शब्द और ग्रीक शब्द माइथोस पर आधारित है। मिथ का प्रयोग कल्पित कथा, काल्पनिक कहानी या पौराणिक कथा के लिए किया जाता है। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया है। अरस्तु की जो प्रसिद्ध रचना है पोएटिक्स, उसमें उन्होंने मिथक को एक मनगढ़ंत कथा अथवा काल्पनिक कथा कहा है। मिथक परंपरागत अनुश्रुत परंपरा से प्राप्त ज्ञान अथवा कथा है, जो किसी अति मानवीय प्राणी या घटना से संबंधित होती है, जो बिना किसी तर्क के स्वीकार कर ली जाती है। तो वास्तव में मिथक क्या होता है? जो हमको परंपरा से प्राप्त कथा कहानियां हैं, जिसको हम सुनकर बड़े हुए हैं, जो सुनी सुनाई जो कहानियां हैं जो हमको परंपरा से प्राप्त है, और जो किसी अति मानवीय प्राणी मतलब अलौकिक अथवा दिव्य शक्ति से संबंधित होती है, और जिसको बिना किसी तर्क के स्वीकार कर ली जाती है सिर्फ आस्था के कारण, विश्वास के कारण, इसे कहा जाता है मिथक। हिंदी में इस शब्द का पहला प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। मिथ का मूल ग्रीक भाषा का शब्द मुथास है, जिसका अर्थ होता है वाणी का विषय। वाणी का विषय से तात्पर्य है एक कहानी, एक आख्यान। आख्यान मतलब होता है वर्णन, वृतांत अथवा कथा, जो प्राचीन काल में सत्य माने जाते थे और कुछ रहस्यमय अर्थ देते थे। मतलब मुथास का आशय क्या है? वाणी का विषय। और वाणी का विषय से क्या तात्पर्य है? मतलब पहले समय में कुछ जो कथा कहानियां जो प्रचलित थी और जो रहस्यमय प्रकृति की होती थी, उन्हें मिथक कहा जाता था। लैटिन भाषा में यह शब्द मिथास है। मतलब अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है मिथक के लिए। लैटिन भाषा में यह शब्द मिथास है, और जिसका अर्थ क्या होता है? शब्द कथा या कहानी। इस प्रकार मिथक से तात्पर्य क्या है? ऐसे आख्यान। आख्यान मतलब होता है वर्णन, वृतांत या कथा। इस प्रकार मिथक ऐसे आख्यान को कहते हैं जिसमें कोई तार्किक संगति ना हो। तार्किक संगति ना हो मतलब यह सिर्फ आस्था और विश्वास के आधार पर सत्य मान लिया गया है, लेकिन जिसमें कोई लॉजिक या फिर कोई तर्क वहां पर नहीं है। इसके लिए दंत कथा, पुरावृत्त, पुरा कथा जैसे कई शब्द प्रयुक्त होते हैं। मिथक के लिए प्रयोग में आने वाले अन्य शब्द हैं पुरा कथा, पुरावृत्त। पुरा कथा से तात्पर्य होता है इतिहास या पुरानी कहानी, और पुरावृत्त से तात्पर्य होता है प्राचीन युग का कोई वृतांत या वर्णन। अब मिथक का अर्थ देखते हैं हम डिटेल में। मिथक की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के माइथोस या मुथास शब्द से मानी जाती है। इसका अर्थ होता है मौखिक कथा, अर्थात ऐसा आख्यान, वर्णन, वृतांत कथा जिसमें कोई तर्क ना हो। मतलब मिथक से तात्पर्य है, माइथोस से तात्पर्य है वे कथा या कहानियां या फिर वर्णन या वृतांत जो हमको मौखिक रूप से प्राप्त होती है और जिसमें कोई तर्क नहीं होता है, लॉजिकली उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, वह सत्य नहीं होता। फ्रेंच शब्दकोश के अनुसार मिथ का अर्थ है जिसका यथार्थतः अस्तित्व नहीं है। यहां भी वही कहा जा रहा है, फ्रेंच शब्दकोश भी वही कह रहा है, मिथ मतलब जिसका कोई वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। मिथ शब्द के कुछ अन्य कोशगत अर्थ निम्नलिखित है। यहां पर आपको मिथ और मिथक से कंफ्यूज नहीं होना है, मिथ और माइथोस से मिलकर बना है मिथक हिंदी में, लेकिन यह सभी एक ही चीज है।
तो मिथ शब्द या मिथक शब्द के अन्य कोशगत अर्थ क्या होते हैं? कोई पुरानी कहानी, कोशगत अर्थ मतलब डिक्शनरी मीनिंग। तो मिथ शब्द की डिक्शनरी मीनिंग क्या है? कोई पुरानी कहानी अथवा लोक विश्वास, जो आम जनता में जो प्रचलित विश्वास है, लोक विश्वास। दूसरा, किसी जाति का आख्यान, वर्णन, वृतांत या कथा, मतलब किसी समुदाय विशेष से संबंधित कोई कहानी, कथा इत्यादि। ग, धार्मिक विश्वासों एवं प्रकृति के रहस्यों के विश्लेषण से युक्त देवताओं तथा वीर पुरुषों की पारंपरिक गाथा, मतलब उस उन अलौकिक दिव्य शक्तियों की गाथा, उन वीर पुरुषों की गाथा जो काल्पनिक है। जैसे कि जैसे वर्षा के देवता को बोला जाता है भगवान विष्णु, भगवान इंद्र को बोला जाता है कि वर्षा के देवता है, या फिर हम कर्ण की जीवनी देखते हैं कि कर्ण कितने महान व्यक्तित्व थे, कर्ण महाभारत, ऐसे वीर पुरुषों के पारंपरिक गाथा इससे संबंधित होते हैं मिथक। या फिर कथन, कोई कथन कहा गया है, जैसे भगीरथ प्रयत्न, हरक्यूलियन टास्क, या फिर वृत्त, वृत्त मतलब होता है कोई इतिहास या वृतांत, किंवदंती, किंवदंती मतलब सुनी सुनाई बातें, जनश्रुति, लोग जो बोलते रहते हैं ऐसी बात जिसे परंपरा से सुनते चले आए हो, है ना, बचपन से हम सुनते चले आए कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था गोकुलवासियों की रक्षा के लिए। तो यह जनश्रुति किंवदंती है, परंपरागत कथा है, कोई परंपरागत कथा है जो हम सुनते आ रहे हैं जमाने से। कुल मिलाकर यह सारे पौराणिक या देवी देवताओं से संबंधित होते हैं, अलौकिक शक्तियों से संबंधित होते हैं मिथक। मिथक की व्याख्या, मिथक की जरूरत क्यों पड़ी, मिथक का जन्म कैसे हुआ, अब हम देखते हैं मिथक की व्याख्या। हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि मिथक वास्तव में है क्या चीज। वस्तुतः मिथक का संबंध आदिम लोकमानस से है। आदिम लोकमानस मतलब जो हमारे आदिम जो व्यवस्था थी, हमारे हमारे जो पूर्वज लोग थे, है ना, जो हमारे पूर्वज जो आदिम जनजाति व्यवस्था थी उस समय, जो आदिम हमारे पूर्वज थे, उनके उनके दिमाग में जो बातें चलती थी, है ना, उनकी जो चेतना जिस प्रकार थी उस समय, उनसे हमको प्राप्त होता है या उनसे संबंधित है। तो जो मिथक होते हैं वे हमारे जो पूर्वज हैं, आदिम मानव हैं, उनसे संबंधित हैं, उनकी चेतना से संबंधित है, लोकमानस, उनके मन से। तो अपनी सरलतम परिभाषा में मिथक एक कथा है। अब हम इसको परिभाषित करते हैं। सबसे सरल परिभाषा क्या क्या कहा जी कही जा सकती है? मिथक एक कथा है जिसमें सृष्टि और उसके उपकरणों के उद्भव, मतलब मिथक में कैसी कहानी है कि सृष्टि का उत्पन्न, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, यह संसार कैसे बना, ये चांद, तारे और बादल, ये सारे चीज, सारी चीजें कैसे बनी, भगवान सूर्य कैसे बने, है ना, चंद्रमा कैसे बना, और उनके उपकरण के उद्भव, उनका जन्म कैसे हुआ, उसकी गति क्रिया, वे कैसे मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, कैसे मूवमेंट होता है उसमें, और उस पर नियंत्रण, इन पर कौन नियंत्रण रखता है कि सूर्य हमेशा रोज सुबह उदय हो जाता है और शाम को अस्त हो जाता है, इसका नियंत्रण करता कौन है, उसके अबूझ व्यापार, वे साइंटिफिकली इसको समझ नहीं पाते थे, वे समय या दैवीय शक्ति समझते थे सभी चीजों को, मूलभूत मानवीय क्रियाओं और समस्याओं, मतलब दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, जो समस्याएं हैं, प्रतिरूपों और तत्वों, जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जीवन और मरण, जीवन और मरण मतलब आदमी कैसे जन्म लेता है, मरने के बाद कहाँ चला जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, आदि विहंगम विषयों से लेकर आरंभकालीन धारणाएं, कुछ नई नई धारणाएं जन्म लेती थी उनके मन में, चिंताएं, विश्वास, उनके मन में चिंताएं थी बच्चों की रक्षा करने की, अपने परिवार के पालन पोषण की, और विश्वास विभिन्न प्रकार की चीजों में जो विश्वास व्यक्त करते थे, और तत्संबंधी कर्मकांड को व्यक्ति मिली, अभिव्यक्ति मिली, मतलब वे प्रकृति के जितने भी उपकरण हैं, प्रकृति से संबंधित जितने भी चीजें हैं, उनको वे देवी देवताओं से जोड़कर देखते थे और उनके प्रकोप से बचने के लिए उनकी पूजा करते थे, और इसी ने कर्मकांड को जन्म दिया, ऐसा कहना है। तो मिथक में आदिम विज्ञान, आदिम विज्ञान मतलब क्या होता है, प्राचीन समय में विज्ञान, आज टाइप का एडवांस साइंस नहीं था, लेकिन वो दो पत्थर को टकरा कर आग जलाना उन्होंने सीखा था, तो इस टाइप का जो आदिम विज्ञान है, पहिए का उन्होंने आविष्कार किया था, हमारे आदिम मानव ने, हमारे पूर्वजों ने। तो धर्म, वो धर्म मतलब ये जो प्रकृति के जो विभिन्न उपादान है उनसे जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के देवता हैं उनकी पूजा करना, है ना, दर्शन, उनके कुछ उनके मन में विचार नहीं जन्म लिया। कर्मकांड, कर्मकांड मतलब पूजा पाठ, सभी संयुक्त रूप से विद्यमान है, मतलब मिथक में ये सारी चीजें आ जाती है। संक्षेप में मिथक को आदिम मनुष्यों के मानसिक मतलब मन, भौतिक जीवन, भौतिक जीवन मतलब सांसारिक जीवन का प्रतीकात्मक कथा संग्रह कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम मिथक को कह सकते हैं कि जो आदिम मानव थे उनके मन में जो बातें चलती थी, उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, उनका भौतिक जीवन कैसा था, कैसे जीवन यापन करते थे, तो इनसे जुड़ी हुई जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, उनका संग्रह कह सकते हैं।
तो डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक को परिभाषित करते हुए लिखा है, सामान्य रूप से मिथक का अर्थ है ऐसी परंपरागत कथा जिसका संबंध अति प्राकृत अर्थात अलौकिक घटना और भावों से होता है। मतलब डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक को परिभाषित करते हुए कहा है कि मिथक का संबंध ऐसी कथाओं से है जो हमको परंपरा से प्राप्त होती है, हमारे पूर्वजों से, हमारे बड़े बुजुर्गों से प्राप्त होती है, जिसका संबंध किसे है, अलौकिक और दिव्य शक्तियों से है, उनकी भावनाओं से है, ऐसी भावों से। अलौकिक मतलब दिव्य या ईश्वरीय, अति प्राकृतिक। तो मिथक मूलतः आदिम मानव के समष्टि मन की सृष्टि है जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। मिथक में तर्क और चेतना और बुद्धि का कोई स्थान नहीं है, इसलिए समष्टि मन, समष्टि मतलब मन मतलब समाज का मन, समष्टि मतलब होता है समाज, व्यष्टि मतलब होता है एक अकेला व्यक्ति। तो पूरे समाज की जो चेतना है, पूरे समाज का जो मन है, पूरे समाज का जो विश्वास है, मिथक का संबंध उससे होता है। मतलब समाज का प्रत्येक व्यक्ति, किसी समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति उसी आस्था उसी विश्वास से संचालित होता है जिसमें चेतन की अपेक्षा अचेतन प्रक्रिया का प्राधान्य होता है। चेतन जो बुद्धि होता है, जो हमारा चेतन मन है, वह तो बुद्धि और तर्क के आधार पर चलता है, लेकिन अचेतन पर क्या है, बुद्धि और तर्क का की वहां पर कोई जोर नहीं चलता है, इसलिए अचेतन प्रक्रिया के कारण मिथक जन्म लेता है। मिथक के उद्भव को लेकर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न संभावनाएं रखी हैं। मतलब विभिन्न विद्वानों ने यह कहा है कि मिथक का जन्म कैसे हुआ, मिथक की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या संभावनाएं हैं, किन कारणों से मिथक का जन्म हुआ। आदिम मानव प्रकृति की शक्तियों तथा व्यापारों के रहस्यों को पूरी तरह समझने समझाने में असमर्थ होने के कारण अपनी कल्पना के माध्यम से उन्हें देवी देवताओं तथा अन्य अति मानवीय शक्तियों का रूप दे देता था। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे आदिम मानव थे, उस समय साइंस का, विज्ञान का विकास नहीं हुआ था, विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसलिए प्रकृति के जितने भी उपादान है, जितने भी उपकरण है, उसको वे विभिन्न देवी देवताओं से जोड़कर देखते थे। और वे सोचते थे कि यदि हम इनका पूजा पाठ नहीं करेंगे तो ये कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, है ना। तो ये जो अलौकिक शक्तियां हैं उनका पूजा पाठ करते थे, क्योंकि वे प्रकृति के विभिन्न कार्यकलाप को, गतिविधियों को समझ नहीं पाते थे कि बारिश के होने का कारण क्या है, दिन और रात के होने का कारण क्या है। तो इसलिए वे इन सभी चीजों को ईश्वरीय अथवा दिव्य शक्तियों से जोड़कर देखते थे। आरंभिक मनुष्य की ये कल्पित अति मानवीय शक्तियां कालांतर में मिथक बनकर उभरी, और बाद में ये जो दैवी शक्तियां हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, उनसे जुड़ी हुई उन्होंने कुछ कहानियां और कथा कहानियां सुनाना चालू कर दिया, और बाद में यह मिथक बन गए। इस प्रकार धार्मिक विश्वास तथा मिथक में अटूट संबंध है। तो ये जो धार्मिक विश्वास के कारण उन्होंने जिन कहानियों का ताना बाना बुना, वह हमारे तक मिथक के रूप में पहुंचती है। इसलिए धार्मिक विश्वास और मिथक एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठता से जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए हम मिथक को अपनी आस्था और विश्वास के कारण स्वीकार कर लेते हैं, है ना। यह तर्क या बुद्धि का विषय नहीं है मिथक, मिथक हमारी आस्था और विश्वास का विषय है। धार्मिक विधि विधानों से जुड़े आख्यानों, वर्णन वृतांत, कथा आदि सभी ने मिथकों का रूप ले लिया है। जो भी कर्म कांड होते थे, जो भी कहानी सुनाए जाते थे, तो वे सभी ने मिथकों का रूप ले लिया। इनके पीछे उन रहस्यमय शक्तियों को तुष्ट करके विपत्तियों से जन समाज की रक्षा करने की भावना प्रमुख थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान इंद्र जब कुपित हो गए थे और बारिश कर रहे थे, तो उनके क्रोध से बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो ऐसे ही इन रहस्यमय शक्तियों, जो दैवीय शक्तियां हैं, इनके क्रोध से बचने के लिए जो मिथकों के निर्माण का कारण क्या था, कि इनको, इनके, इनसे संबंधित कुछ कहानियां गढ़ ली गई, उनका पूजा पाठ करना चालू कर दिया गया, ताकि जन समाज की रक्षा हो सके उनके क्रोध से। तो इसके कारण मिथक का निर्माण होता चला गया, उनसे संबंधित कहानियां और कथा कहानियां जन्म लेने लगी, और वह मिथक बनकर हम तक पहुंच गई। भारत के हिंदू समाज में विभिन्न व्रतों की कथाओं में इस तथ्य का परिचय मिल जाता है। विभिन्न व्रत की कथा आप पढ़ेंगे, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा आप पढ़ेंगे, व्रत कथा, तो वहां पर देखेंगे कि प्रसाद नहीं खाने के कारण क्या क्या उसको विपत्तियां झेलनी पड़ी, ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। अपनी आवश्यकता तथा स्थिति के अनुसार मनुष्य इन मिथकों को रूप भी देता रहा है, और इनके माध्यम से सृष्टि के रहस्यों की व्याख्या भी करता रहा है। जैसे मैंने भगवान इंद्र का और कृष्ण भगवान का जो आपको कहानी सुनाई, वैसी मतलब इन्होंने जितने विभिन्न प्रकार के जो भगवान और देवी देवता थे, उनसे संबंधित कुछ कहानियां गढ़ ली, है ना, और इसी के माध्यम से वे प्रकृति के विभिन्न रहस्यों की व्याख्या करने लगे। जैसे भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं, वे यहां से वहां घूमते रहते हैं, पर दिन रात होता है, ऐसे बहुत सारी कहानियां गढ़ ली गई। अपनी आवश्यकता तथा, इसे मिथक कहा गया, अपनी आवश्यकता तथा स्थिति के अनुसार मनुष्य मिथकों का रूप भी देता रहा है। तो यह हो गया, और इस प्रकार वह सृष्टि के रहस्यों को व्याख्या करता रहा। मतलब
वह साइंटिफिक नहीं था, वैज्ञानिक बोध नहीं था, विज्ञान बोध नहीं था उसके अंदर में। तो वह अपने हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर सृष्टि के रहस्यों की व्याख्या करने लगा कि दिन और रात क्यों होता है, बारिश क्यों होती है, इस टाइप से। अब इसके आधार पर हम मिथ्या की विशेषताएं क्या होती है, अभी तक जो हमने देखा, जो हमने ऊपर उल्लेख किया, इससे हमको पता चलता है कि मिथक में क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला तो यह है कि यह लोक प्रसिद्ध मनगढ़ंत तथा पौराणिक कथा होती है। मिथक जो होती है तो लोक प्रसिद्ध होना चाहिए, सभी लोगों के द्वारा उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए, समाज में लोक प्रसिद्ध होना चाहिए। दूसरा मनगढ़ंत होना चाहिए, पूरी तरह काल्पनिक होना चाहिए, कोई तर्क या बुद्धि का विषय नहीं होना चाहिए, और यह पौराणिक कथा होती है जो देवी देवताओं से जुड़ी होती है। दूसरा, इसमें अति मानवीय अलौकिक प्राणी या घटना का उल्लेख होता है। अति मानवीय मतलब अलौकिक या दैवी शक्तियों का उल्लेख होता है या उनसे जुड़ी हुई घटनाओं का उल्लेख होता है। ये हो गया। इसके बाद इसकी घटनाएं बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती है, मतलब मिथक में आने वाली जो घटनाएं हैं उसको आस्था और विश्वास के आधार पर स्वीकार कर ली जाती है और तर्क और बुद्धि के हिसाब से वहां पर सोचा नहीं जाता। चौथा, इसमें विस्मयपूर्ण एवं कौतूहलपूर्ण घटनाएं होती हैं, वो आश्चर्यजनक होना होना भी चाहिए, विस्मय भी जगाती है, कौतूहल भी जगाती है। पांचवा, वह अनेक आद्य आदि मूल बिंबों का गुच्छा होता है, मतलब लोगों के मन में जो विभिन्न प्रकार के प्रतिमाएं या मूर्ति बनी हुई है देवी देवताओं को लेकर, जो बिंब और जो इमेज बना हुआ है ना, मतलब जो सामूहिक जो इमेज बना हुआ है, जो बिंब बना हुआ है, उसी का कलेक्शन होता है मिथक। जैसे इंद्र को उन्होंने वर्षा का देवता मान लिया, तो सभी लोगों ने मान लिया, सबके दिमाग में भगवान इंद्र का जो इमेज है, जो बिंब है, वो वर्षा के देवता का बन गया। छठवां, मिथक के क्रियाकलाप और कथा मानवेतर विशेषता देवताओं से संबंधित होते हैं। मिथक में जिन घटनाओं, जिन चरित्रों का उल्लेख किया जाता है, वे प्राय मानवेतर और विशेष रूप से, मानवेतर मतलब मानव से अलग, मानव से हटकर, मनुष्यों से हटकर और देवी देवताओं से संबंधित होते हैं। सातवां, वह लोक विश्वास पर आधारित होता है, मतलब समाज या समुदाय में रहने वाले सभी लोग उस मान्यता को स्वीकार कर लेते हैं अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर। तो मिथक जो है लोक विश्वास पर आधारित होते हैं, सभी लोगों की उस मिथक पर समान आस्था होती है, समान विश्वास होता है। आठवां, मिथक बुद्धिमूलक न होकर सामूहिक अचेतन मन से संबद्ध है, मतलब पूरे समाज के लोग, समाज के लोगों का जो की जो मानसिकता है, समाज के लोगों की जो आस्था और विश्वास है, उस पर यह आधारित होता है और यह बुद्धिमूलक नहीं होती होती, मतलब बुद्धि से इसका दूर दूर तक कोई लेने देना नहीं होता है मिथक का। तो ये विशेषताएं हैं। अब देखते हैं कि मिथक और साहित्य का क्या संबंध है। जैसे हमने फैंटेसी में देखा कि साहित्य में फैंटेसी का प्रयोग एक टेक्निक के रूप में किया जाता है, ठीक इसी प्रकार मिथक का प्रयोग भी साहित्य में एक टेक्निक के रूप में किया जाता है। मिथक को टेक्निक मतलब वे आ प्रेजेंटेशन, मतलब हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज इन योर लिटरेचर, मतलब जो तरीका होता है साहित्य में अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का या विभिन्न चरित्रों को गढ़ने का जो तरीका होता है, उसे कहा जाता है टेक्निक। मिथक को साहित्य की एक महत्वपूर्ण टेक्निक माना गया, जिसके माध्यम से अचेतन को प्रकाश मिलाया जाता है तथा अनुभूति को प्रत्यक्ष करने में सहायता मिलती है। मतलब मिथक से क्या फायदा होता है, अचेतन को प्रकाश मिलाया जाता है। अचेतन मतलब जो हमारे मन में दबी हुई इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, है ना, जिसके कारण ये मिथक जो जन्म लेते हैं, जिसके कारण, तो उसको प्रकाश मिलाया जाता है मिथक के इस टेक्निक के आधार पर, और अनुभूति को प्रत्यक्ष करने में सहायता मिलती है। मतलब अनुभूति मतलब जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इनको मूर्त रूप देने में सहायता मिलती है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, जयशंकर प्रसाद की कहानी हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख उदाहरण है जिनमें मिथकों का सफल प्रयोग किया गया है। जयशंकर प्रसाद की कहानी, जिसमें जो धरती में जब प्रलय हो जाता है, उसके बाद जब श्रद्धा और मनो दो ही बचते हैं और ईड़ा बचती है, तो कैसे क्या क्या होता है उसमें कहानी में, है ना, तो जयशंकर प्रसाद। इसके बाद धर्मवीर भारती का अंधायुग, अंधायुग मतलब जो महाभारत से संबंधित है, महाभारत में 18 दिन के युद्ध से लेकर श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन है इसमें अंधायुग में, यह काव्य नाटक है धर्मवीर भारती का। नरेश मेहता की संशय की एक रात, नरेश मेहता की संशय की एक रात भी एक प्रसिद्ध कृति है जिसमें मिथक का प्रयोग हुआ है। यहाँ भगवान राम के संशय का वर्णन है कि माता सीता को स्वतंत्र कराने के लिए उन्हें रावण से युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो संशय की एक रात है, भगवान राम का संशय का परीक्षा में प्राय पूछा भी जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की कमानी में मिथक का प्रयोग किया गया है टेक्निक के रूप में, धर्मवीर भारती के अंधायुग में मिथक का प्रयोग किया गया है, ये सभी पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं, और नरेश मेहता की संशय की एक रात
जिसमें भगवान राम के संशय का वर्णन किया गया है, प्रायः नेट यूजीसी नेट अगर परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें भी संशय की एक रात में भगवान राम के संशय का वर्णन किया गया है। यह भी मिथक पर आधारित ऐसी कृतियां हैं जिनमें आधुनिक भावबोध को अभिव्यक्त किया गया है। मतलब मिथकों के माध्यम से जो आधुनिक जो व्यक्ति है उसके मन में जो चले वाले झंझावात है, उसका जो मनोविज्ञान है ना, तो उन सबको उसकी उलझनों को यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है। तो डॉक्टर एस एस गुप्ता के अनुसार, एक बहुत ही महान विद्वान हुए हैं डॉक्टर एस एस गुप्त, उन्होंने क्या कहा है, कविता में मिथकों का प्रयोग सायास नहीं स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। मतलब कविता में जो मिथक का प्रयोग किया जा रहा है जानबूझकर नहीं डालना चाहिए, प्रयास पूर्वक परिश्रम करके, जबरदस्ती नहीं डालना चाहिए मिथकों को, कविता में मिथकों को जबरदस्ती नहीं डालना चाहिए, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। मतलब साहित्य में अथवा कविता में मिथकों का प्रयोग जबरदस्ती या जानबूझकर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनका प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया जाना चाहिए। उन्हें काव्य का अभिन्न अंग होना चाहिए और उन्हें कवि की दृष्टि से जुड़ा होना चाहिए। यह गुण आने पर ही मिथक कलात्मक बन पाएंगे। मतलब मिथक का प्रयोग कविता में इस प्रकार होना चाहिए कि पाठक को ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती यहां पर इसको डाला गया है, तभी वह कलात्मक बन पाएंगे। समकालीन यथार्थ उद्घाटित करने के लिए साहित्य में मिथकों का प्रयोग होता है। जैसे अंधा युग है, मतलब परमाणु बम गिराया गया था जब हिरोशिमा नागासाकी में, तो कितना भयंकर विध्वंस और वो हुआ था, कितने लोगों की जान माल की हानि हुई थी। तो ऐसी घटनाओं पर आधारित जो सामयिक यथार्थ है, समकालीन यथार्थ को उद्घाटित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, मिथक का। अब हिंदी में भगवान राम और भगवान कृष्ण दो ऐसे मिथकी चरित्र हैं जिनका हर युग में कवियों ने अपनी तरह से चित्रण करने की कोशिश की है। तो ये दोनों पौराणिक कथाएं हमारे, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी मिथकी चरित्र माना जाता है इस टेक्निक के हिसाब से, और हर युग में कवियों ने इनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है और अपने हिसाब से इनके व्यक्तित्व का चित्रण किया है। जैसे तुलसीदास के राम और निराला के राम में अंतर है, जहां तुलसीदास के राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहीं निराला के राम और अलौकिक और दिव्य है। तुलसीदास के जो राम है, रामचरित मानस में उन्होंने जिस भगवान राम का चित्रण किया है उनके व्यक्तित्व का, वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अलौकिक दिव्य शक्तियों के स्वामी है। लेकिन निराला के राम क्या है, वे साधारण मनुष्य हैं हमारे जैसे, जिनके मन में दुख है, पीड़ा है, जिनको पराजय बोध का सामना करना पड़ता है। तो तुलसीदास के राम अलग है, निराला के राम अलग है, दोनों में अंतर है। इन दोनों बड़े कवियों ने अपने समय का सच कहने के लिए भगवान राम के चरित्र का अपनी तरह से इस्तेमाल किया है। तो अपने अपने समय पर, जैसे वे स्वांता सुखाय लिखते थे, तुलसीदास रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम का चरित्र चित्रण उस प्रकार से किया है, और निराला ने राम की शक्ति पूजा में राम का चित्रण एक साधारण मनुष्य के रूप में किया है, और भगवान राम के चरित्र का अपने अपने हिसाब से इन्होंने इस्तेमाल किया है, उनका चरित्र चित्रण किया है। इसी तरह भगवान कृष्ण का भी आधुनिक हिंदी कविता में अलग अलग संदर्भों में चित्रण हुआ है। धर्मवीर भारती ने अपने चर्चित काव्यात्मक नाटक, इसे काव्य नाटक भी कहा जाता है, अंधा युग, इसमें कृष्ण के साथ महाभारत युग के और भी कई मिथकीय पात्रों का चित्रण अपने समय के संकट को दिखाने के लिए किया है। मिथकीय प्रयोगों के कारण अंधा युग आधुनिक मानव की नियति का प्रतीक बन गया है। आधुनिक मानव की जो नियति है, जैसे अश्वस्थामा, अश्वस्थामा क्या है, वहां भटकते रहता है अंत तक, वैसे ही आधुनिक मानव भी क्या है, भटक रहा है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है, वह समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उलझन की स्थिति में। तो अंधा युग में भी उन्होंने भगवान कृष्ण और अन्य मिथकी चरित्रों को पौराणिक पात्रों को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन उन्होंने नाटक लिखा है, जो आधुनिक मानव की जो नियति है उसका भविष्य है, उसका प्रतीक बन जाता है। तो ये कुछ रचनाएं हैं जिनमें मिथकों का प्रयोग किया गया है। परीक्षा में लिखना है इसको, आपको आवश्यक है, तभी मूल्यांकन कर्ताओं को यह पता चलता है कि आपने मिथक का बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया है, और आपको यह पता है कि हिंदी साहित्य में ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनमें मिथकों का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं उपसंहार। फाइनली, मिथक का जन्म मानव के सामाजिक जीवन के क्रियाकलापों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, घटनाओं या अन्य किसी तथ्य के रहस्योद्घाटन के उद्देश्य से हुआ है। मतलब जीवन के जो क्रियाकलाप थे, जो गतिविधियां थी, जो हमारे प्रकृति के विभिन्न उपादान, विभिन्न उपकरण हैं, है ना, नदी, तालाब, जल, बादल, वर्षा, तो इन सब का रहस्योद्घाटन करने के लिए मिथकों का जन्म हुआ। रात कैसी होती है, दिन कैसे होता है, बारिश कहाँ से होती है, इन सब का रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए इसका जन्म हुआ। इसे कुछ लोगों ने सृष्टि के
राष्ट्रोद्घाटन से संबंधित कथा मात्र माना। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, यह जो मिथक है सिर्फ सृष्टि से संबंधित है, कि नदी तालाब जल पहाड़ का जन्म कैसे हुआ, सूर्य का जन्म कैसे हुआ, चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, बारिश कहाँ से होती है, सागर का जन्म कैसे हुआ, जीव जंतु की उत्पत्ति कैसे हुई, सिर्फ इनका रहस्योद्घाटन से संबंधित कथा माना है। लेकिन मिथक सृष्टि एवं मानव की उत्पत्ति की कल्पना मंडित सत्य कथा है। तो मिथक क्या है? भले काल्पनिक तो है, लेकिन इसे ऐसा मान लिया गया है कि यह सत्य है कि सृष्टि और मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग धर्मों में आप पढ़ेंगे, अलग अलग धर्म ग्रंथ में, अलग अलग धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब जितने भी धर्मों के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ है उनमें अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई है। तो ये सारे मिथक हैं। आदि मानव ने प्राकृतिक रहस्यों को अभिव्यक्त करने के लिए मिथकों का निर्माण किया, इसी कारण मिथक आदि मूल प्रतीकों का समूह कहलाया। आदि मानव के पास क्या है, साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, विज्ञान का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने के लिए मिथकों का निर्माण किया था। और इसीलिए मिथक को क्या कहा जाता है, आद्य या आदि मूल प्रतीकों का समूह कहलाया। आदि मूल प्रतीकों का समूह मतलब जो जनमानस थे उनकी जो सामूहिक चेतना थी। अब उनकी जैसे सामूहिक चेतना ने भगवान इंद्र को वर्षा का देवता मान लिया तो ये एक प्रतीक बन गए, तो एक सामूहिक प्रतीक बन गए, है ना। बिंबों के सबके दिमाग में इंद्र का इमेज क्या हो गया, वर्षा के देवता के रूप में हो गया। इसको बोलते हैं आद्य या मूल प्रतीक, इनको समूह कहलाता है। तो मिथक इन प्रतीकों का समूह कहलाया। मिथक का धर्म के साथ निकट संबंध है, जैसे मैं बता चुका हूं, इसी कारण कुछ विद्वानों ने इसे धर्मगाथा कहा है। मतलब प्रकृति के जितने उपादान है, उपकरण है, उसको हम देवी देवताओं से जोड़कर देखते हैं, और इसीलिए मिथक और देवी देवताओं पर ही हमारे मिथक आधारित होते हैं, इसीलिए मिथक का धर्म से निकटतम संबंध है। धार्मिक अनुष्ठान एवं संस्कार मिथक के क्रियात्मक रूप एवं व्यवहारिक फलक है। जो हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, वे ये मिथक के कार्य होते हैं। जैसे किसी का उपनयन संस्कार हो रहा है, मुंडन संस्कार हो रहा है, या फिर और कुछ हो रहा है, और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, समय समय पर हवन हो रहे हैं, तो यह इसी मिथक के क्या है, क्रियात्मक एवं व्यवहारिक फलक है। समय समय पर हम जितने त्योहार मना रहे हैं, कई चीजों का हम पाठ कर रहे हैं, ये सारी चीजें मिथक के क्रियात्मक रूप है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। मिथक क्या हो गया, थ्योरी हो गया, सिद्धांत हो गया, और ये सारे प्रैक्टिकल हो गए कर्मकांड। मिथक बनने में लोक विश्वास सहायक होता है। कोई मिथक ऐसे ही जन्म नहीं ले लेता कि जैसे किसी ने कोई कहानी सुनी, कोई कथा सुनाया ईश्वर के बारे में, उसको सच मान लिया गया। मिथक बनने में लोक विश्वास सहायक होता है, मतलब पूरा समुदाय, पूरे समूह की आस्था होनी चाहिए, पूरे लोक और जनमानस की आस्था होनी चाहिए, तभी मिथक जन्म ले सकता है। दूसरी तरफ मिथक लोक संस्कार के रूप में भी देखे जाते हैं। ये मैं आपको संस्कार बताया है ना, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, या और भी जितने भी संस्कार होते हैं अलग अलग रिलीजियंस में। कई बार मिथक प्रतीक भी बन जाते हैं, कई बार जो मिथक में जो पौराणिक पात्र आए हैं या मिथक है, वे प्रतीक के रूप बन जाते हैं। जैसे भारतीय समाज में रावण बुराई का प्रतीक बन गया है, और विभीषण घर के भेदी का प्रतीक माना जाता है ना। रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है, दशहरा में जलाते हैं बुराइयों को, और विभीषण को क्या बोला जाता है, घर का भेदी लंका ढाए, मतलब घर का भेदी विभीषण को कहा जाता है। इसी तरह भगवान राम और माता सीता को क्रमशः आदर्श पुरुष और आदर्श स्त्री के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। तो कई बार मिथक जो है ना, प्रतीक भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार मुझे आसानी पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने मिथक की अवधारणा को भलीभांति समझ लिया होगा, और इसका जो नोट्स है वो पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डाल दिया, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा। धन्यवाद।